और हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ में होंगे। आज का वीडियो में दोस्तों बना रहे श्री कृष्ण भगवान की एक छोटा सा बाल कृष्णा, तो बने रहिएगा वीडियो में। पहले तो हमने कुछ मिट्टियाँ ले लिए और उसी गोला करके कुछ इस प्रकार से चपटा कर लेंगे उसके बेस के लिए, मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को बिठाएंगे। तो इसी प्रकार से गोल बना देंगे और इसी के ऊपर थोड़ा बहुत पानी से फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद कुछ मिट्टियाँ ले लेंगे और मिट्टी लेने के बाद कुछ इस प्रकार से कोयल बना लेंगे लंबा सा, और उसको हमने कुछ इस प्रकार से मोड़ के उसी को पैर बना देंगे कुछ इस प्रकार से। दोनों पैर बनाने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे पैर का गहना भी बना लेंगे। फेरों को बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से मिट्टी ले लेंगे, मतलब थोड़ा मिट्टी ले लेंगे और इसी प्रकार की शेप से वहाँ पे पेट बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, जॉइंट कर देंगे वहाँ पे। थोड़ा बहुत जॉइंट करने के बाद स्ट्रक्चर बना देने के बाद अभी बना रहे धोती को। धोती को बनाने के लिए हमने पतला पतला स्लेब बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, और उसी को इसी प्रकार से बना करके वहाँ पे चिपका लेंगे और पतला सा स्लेब बना लेंगे और कुछ इस प्रकार से बेल्ट बना लेंगे। अभी बना रहे धोती का फोल्ड को। धोती का फोल्ड को बनाने के लिए हमने यूज किया है टूल को। टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से लकीर बना लेंगे और उसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से ब्रश की मदद से फिनिशिंग कर लेंगे और उसी पे दोस्तों बन जाएगा हमारा फोल्ड। तो इसी प्रकार से और बार की जो कि डिज़ाइन बना लेंगे कुछ इस प्रकार से टूल की मदद से ही। और एक बात दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इसी प्रकार से शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अभी बना रहे दोस्तों हाथ को। हाथ को बनाने के लिए हमने जैसे पैर की कोयल बना लिए थे उसी प्रकार से कोयल बना लेंगे लंबा सा, और उसी को दोस्तों कुछ इसी प्रकार से मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद उंगलियां बनाने के साइड पे थोड़ा चपटा कर लेंगे, और उंगली बनाने के लिए हमने छोटा छोटा कोयल बना लेंगे और कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ज्वाइंट करके कुछ इस प्रकार से बना लेंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, और इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे वाला हाथ भी बना लेंगे। शरीर के काम तो सब कुछ बन गया दोस्तों। उसके बाद अभी बना रहे फेस को। फेस को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे, उसे एक गोल बना लेंगे कुछ इस प्रकार का, और इस प्रकार से अपने बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से बनाते जाएंगे नोज़, जैसे कि गाल होंठ हो गया, कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे बनाते जाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, देखते रहिएगा ध्यान से दोस्तों। तो इसी प्रकार से बनाते जाएंगे, बने रहिएगा। दोस्तों पेस्ट तो हमारा बनकर रेडी हो गया, इसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट कर लेंगे। दोस्तों पेस्ट को ज्वाइंट कर देने के बाद अभी बना रहे बाल को। बाल को बनाने के लिए पीछे से साइड में कुछ इस प्रकार से बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिट्टी देते जाएंगे, और उसी को दोस्तों हमने बिखर हुआ बाल बना रहे जैसे कि हमने बना देंगे जैसे बचपन में होता है ना, इसी प्रकार से ही बना देंगे कुछ इस टाइप का बना रहे, और उसी के ऊपर दोस्तों कुछ इस प्रकार से टूल की मदद से बना देंगे स्ट्रक्चर को ताकि बाल की तरह रियलिस्टिक देख सके। बाल का जो स्ट्रक्चर बना देने के बाद अभी ब्रश की मदद से कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग कर देंगे, और बाल को फिनिशिंग कर देने के बाद अभी पतला सा कोयल लेंगे वहाँ पे ज्वेलरी के लिए, और थोड़ा सा बाल में वहाँ पे दोस्तों मोयर पंख बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से गोल्ड पहना लेंगे चेन वाला गोल्ड, और उसी के ऊपर में दोस्तों कुछ इस प्रकार से मोयर पंख भी पहना लेंगे, और बस सिंपल सा ही कुछ इस प्रकार से टूल की मदद से डिज़ाइन बना लेंगे।
और बाकी जो शरीर का गहना है उसी को कुछ उसी प्रकार से बना लेंगे। दोस्तों गेने और कृष्णा भगवान की जो फ्लूट होता है वह उसी को पकड़ा देने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हो रेंग नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए राधे राधे दोस्तों। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हो फाइनल लुक।